नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आसन न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2023 को लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल निकल के आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जनवरी 2023 में नगर निगम और नगर पंचायतों के कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं। 19 जनवरी तक महापौर व पार्षदों का कार्यकाल भी समाप्त होने जा रहा है। इसी को लेकर ऐसे न्यूज की टीम ने एक सर्वे करवाया है, जिसमें किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलेगी, क्या बीजेपी को ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में कामयाबी मिलेगी, या फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यानी कि मैनपुरी और बाकी जगहों से जीत कर यहाँ पर अपना दमखम दिखा पाएंगे। उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली समाजवादी पार्टी यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ जीतने में कामयाब होगी या फिर नहीं। यूपी के नगर निगमों में नियुक्त होंगे प्रशासन। सरकार ने सभी जिलों के जारी किए आदेश, जाने क्या लिया फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी को देखते हुए निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। नगर निकायों में चुने गए जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने प्रदेश के सभी डीएम को पत्र लिखकर इस संबंध में आदेश दिए हैं। नगर निकाय चुनाव समय पर नहीं होने के कारण प्रशासकों की नियुक्ति का फैसला लिया गया है। इस फैसले पर पहले बिहार और दिल्ली के नगर निकायों में लिया जा चुका है। अब इस प्रकार की व्यवस्था प्रदेश में नगर निकायों में भी लागू होगी। नगर निकाय चुनाव लगातार चल रहे हैं, अभी तक चुनाव तिथि का ऐलान नहीं हो पाया है। मामला कोर्ट में लंबित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में होनी है। इससे पहले नगर विकास विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर तमाम डीएम को निर्देश जारी किया गया है। जिले के नगर निकायों में तत्काल प्रभाव से व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए प्रशासन ने नियुक्ति होगी। निकाय चुनाव में दिग्गजों के टिकट काट सकती है बीजेपी। नगर निगम और नगर पालिका में करा रही है सर्वे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश नगर विकास चुनाव 2022 में बीजेपी बड़े पैमाने पर पिछली बार चुनाव जीत उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। ट्रिपल इंजन की सरकार को कायम रखने के लिए बीजेपी किसी भी सीट पर कमजोर प्रत्याशी को उतारने की जोखिम नहीं मोल लेना चाहेगी। ऐसे में बीजेपी नगर निगम चुनाव, पंचायत चुनाव या नगर पंचायत चुनाव और नगर पालिका अध्यक्ष में भारतीय जनता पार्टी सर्वे करा रही है। सर्वे के आधार पर मौजूदा नगर निगम, नगर प्रमुख, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत परिषद या वार्ड के पार्षदों की दावेदारी अगर आरक्षण के आधार पर बनती है तो उसे परखा जाएगा। जनता के बीच क्या उनके कामकाज को लेकर नाराजगी है, क्या उनकी छवि को पसंद किया जा रहा है, क्या बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच उनको लेकर कोई असंतोष तो नहीं है। साथ ही 5 साल में बिगड़े जातिकरण और क्षेत्रीय समीकरणों का भी ध्यान रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी बनेगी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पार्षद में सरकार या नगर पंचायत में सरकार। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ में 70 निगम पार्षद हैं, उनमें से बीजेपी को 35 मिल सकती हैं। एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव को 30 सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और एसपी यानी कि बीएसपी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं नगर निगम की। सहारनपुर में 1 सीट है और एक ही सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बाजी मार सकती है। आगरा की बात करें तो आगरा में 100 नगर निगम पार्षद के वार्ड हैं, इनमें से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 100 में से 69 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। एसपी को 18 वार्ड में जीत हासिल हो सकती है। बीएसपी खाते में यहाँ पर 10 वार्ड पर जीत हासिल हो सकती है। कांग्रेस पार्टी को 1 वार्ड पर जीत हासिल हो सकती है, अन्य को 2 वार्ड मिल सकते हैं। मेरठ नगर निगम की 1 सीट है यानी कि मेयर की 1 सीट और एक ही सीट पर बीजेपी यहाँ पर काबिज हो सकती है। नगर पार्षद की 1300 में से अब तक 170 नगर निगम पार्षद वार्ड की संख्या आ चुकी है, तो यहाँ पर यानी कि ओपनिंग पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 104, एसपी खाते में 48, कांग्रेस पार्टी को 11 सीटों पर, बीएसपी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 6 वार्ड मिल सकते हैं। प्रयागराज की 80 निगम पार्षदों में से यहां पर बीजेपी को 48 पार्षद मिल सकते हैं और
बीएसपी को 5, एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को 20, कांग्रेस पार्टी यहां पर खाता खोलने में नाकामयाब है और अन्य पार्टी का भी खाता नहीं खुल सकता है। नगर निगम की गाजियाबाद नगर निगम की एक सीट और एक ही सीट पर बीजेपी यहां पर काजबीज हो सकती है और नगर पार्षद की 1300 में से 250 वोट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 152 सीटों पर बीजेपी यानी कि सबसे बड़ी पार्टी और यानी कि बीजेपी को अच्छी खासी लीड मिल रही है। एसपी को यहाँ पर 68 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, 16 सीटों पर बीएसपी, 10 सीटों पर अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती है। बरेली की 80 वोट में से 45 पर बीजेपी, 10 पर एसपी, 8 पर कांग्रेस पार्टी, बीएसपी खाते में 15, 2 पर अन्य। नगर निगम मुरादाबाद की यानी कि मेयर की एक सीट और एक ही सीट समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को मिल सकती है। बीजेपी को 0, कांग्रेस को 0, बीएसपी खाते में 0 सीट जा सकती है। निगम पार्षदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 1300 में से 330 निगम पार्षदों की ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 197 सीटों पर बीजेपी, 78 सीटों पर एसपी, कांग्रेस पार्टी को 12 सीटें, बीएसपी खाते में 31 और अन्य को 12 वोट पर जीत हासिल हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं अयोध्या की। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में 60 पार्षद की संख्या है और यहाँ पर 60 में से 40 पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। एसपी को 10 सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें, बीएसपी खाते में 5 और अन्य पार्टी का हाथ लग सकती है 0 सीट। नगर निगम बरेली की बात करें तो बरेली में एक सीट पर बीजेपी यानी कि एक मेयर बीजेपी चुन सकती है। निगम पार्षदों की 1300 में से 390 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 237 पार्षद मिल सकते हैं, एसपी को यहाँ पर 88 पार्षद मिल सकते हैं और कांग्रेस पार्टी को 17 पार्षद, बीएसपी खाते में 36 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 12 पार्षद मिलने की संभावना जताई जा रही है। फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में 70 पार्षदों की संख्या है और यहाँ पर ओपिनियन पोल की बात की जाए तो बीजेपी को 43 पार्षद मिल सकते हैं और एसपी को 20 पार्षद, कांग्रेस पार्टी को 1 पार्षद, बीएसपी के खाते में 5 पार्षद जा सकते हैं, एक सीट पर अन्य पार्टी यहाँ पर यानी कि एक पार्षद अन्य का हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं नगर निगम यानी कि मेयर की यानी कि अलीगढ़ नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर एक ही सीट और एक ही सीट एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, यानी कि समाजवादी पार्टी का मेयर बन सकता है। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में 100 पार्षदों की संख्या है और यहाँ पर 100 में से बीजेपी खाते में 68, एसपी खाते में 15, कांग्रेस पार्टी को 7, बीएसपी खाते में 8, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। नगर निगम पार्षद की टोटल 1300 में से 560 पार्षदों की संख्या आ चुकी है यानी कि ओपिनियन पोल आ चुका है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 348, एसपी खाते में 123 सीट यानी कि समाजवादी पार्टी खाते में 123 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 25 सीटें, बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 49 सीटें और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 15 सीटें मिल सकती हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों गोरखपुर की। 70 पार्षदों की संख्या में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 45 सीटें, एसपी को 18 और कांग्रेस पार्टी को 3, बीएसपी को 3 और अन्य पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। नगर निगम पार्षदों की बात करें तो नगर निगम पार्षदों में से 1300 में से 630 पार्षदों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 393 सीटें और एसपी को यहाँ पर 141 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 28 सीटें यानी कि 28 पार्षद जीतने को मिल सकते हैं, बीएसपी को यहाँ पर 51 पार्षद मिल सकते हैं और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 17 पार्षद मिल सकते हैं। यानी कि बात करें तो नगर निगम आगरा की तो एक सीट और एक ही सीट भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में जा सकती है। झांसी की बात करें तो झांसी में 60 पार्षदों की संख्या है, 60 में से बीजेपी को 35 सीटें इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो और एसपी को यहाँ पर 20 सीटें, कांग्रेस को 1, बीएसपी खाते में 3 और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। नगर निगम पार्षदों की संख्या 1300 है, 1300 में से यहाँ पर 690 पार्षदों की संख्या का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 428 पार्षदों का चयन कर सकती है बीजेपी और एसपी को 161 सीटें यानी कि 161 पार्षद मिल सकते हैं, कांग्रेस को 29, बीएसपी खाते में यहाँ पर 54 सीटें और 18 सीटों पर अन्य यानी कि 18 पार्षद अन्य के खाते में जा सकते हैं। नगर निगम फिरोजाबाद की एक सीट और एक ही सीट एसपी खाते में जा सकती है। नगर पालिका अभी तक सीट का खुलासा नहीं हो पाया है। बात कर लेते हैं कानपुर की। कानपुर में 110 नगर पार्षद हैं और यहाँ पर बीजेपी खाते में
80 समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 20 पार्षद मिल सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को 5, एसपी को 5 और अन्य को 0। नगर निगम की पार्षद की बात करें तो नगर निगम के 1300 में से 800 पार्षदों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 508 पार्षद अपने खाते में कर सकती हैं, एसपी को यहाँ पर 181 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 34 पार्षद अपने पाले में ला सकती है और बीएसपी यहाँ पर 59 और 18 पर अन्य। नगर निगम कानपुर की बात करें तो नगर निगम कानपुर में एक सीट और एक ही सीट बीजेपी खाते में जा सकती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की 110 पार्षदों वाले यानी कि नगर निगम के पार्षद 110 हैं, 10 में से 52 पार्षदों पर बीजेपी यहाँ पर कब्जा जमा सकती है। 31 पार्षदों पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी को 10, बीएसपी खाते में 12 और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 5 पार्षद मिल सकते हैं। नगर निगम झांसी की एक सीट और एक ही सीट पर बीजेपी यहाँ पर काबिज हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं मथुरा की, 70 पार्षदों में से 35 पर बीजेपी, 11 पर एसपी, बीएसपी खाते में 10, 6 पर बीएसपी और अन्य खाते में 8 पार्षद जा सकते हैं। नगर निगम के 1300 में से 980 पार्षदों की संख्या आ चुकी है बीजेपी खाते में 95, एसपी खाते में 223 सीटें, 54 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 77 सांसद पार्षद बीएसपी खाते में जा सकते हैं और अन्य के खाते में यहाँ पर 31 पार्षद जा सकते हैं। नगर निगम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में एक ही सीट और एक ही सीट बीजेपी खाते में जा सकती है, यानी कि प्रयागराज का मेयर बीजेपी का चुना जा सकता है। मेरठ की 90 पार्षदों में से 56 पार्षदों पर बीजेपी, एसपी खाते में 25 पार्षद, 4 पर कांग्रेस, 5 पर बीएसपी और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट। लखनऊ नगर निगम की एक सीट और एक ही सीट पर बीजेपी यहाँ पर अपना मेयर चुन सकती है। नगर पार्षद की 1300 में से 1070 पार्षदों का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है, यानी कि बीजेपी खाते में 651 सीटें और एसपी खाते में 248, कांग्रेस पार्टी को 58, बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी को 82 और अन्य पार्टी को यहां पर 31 मिल सकते हैं। मुरादाबाद में 70 पार्षद हैं, 70 में से 45 पर बीजेपी, एसपी खाते में 15, कांग्रेस को 5, बीएसपी खाते में 5 और अन्य को 0 सीट। नगर निगम की 1300 में से अब तक 1140 पार्षदों की संख्या का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर 696 पार्षद बीजेपी खाते में जा सकते हैं और एसपी खाते में 263, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 63 और बीएसपी खाते में 87 और अन्य पार्टी को 31 पार्षद मिल सकते हैं। नगर निगम अयोध्या की 2 मेयर हैं, यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो एसपी को 1 सीट मिल सकते हैं, यानी कि 1 मेयर एसपी को मिल सकता है। सहारनपुर की 70 मेयरों में से 30 पर बीजेपी, एसपी खाते में 20, कांग्रेस को 8, 3 पर बीएसपी, 9 पर अन्य। नगर निगम की यानी कि गोरखपुर नगर निगम की एक सीट और एक ही सीट बीजेपी को मिल सकती है, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं नगर पार्षदों की, 1300 में से 1210 नगर पार्षदों का ओपनिंग पोल निकल के आ रहा है और बीजेपी को 726 पार्षद मिल सकते हैं और एसपी खाते में 283 पार्षद और कांग्रेस को 71 पार्षद, बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को 90 पार्षद और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 40 पार्षद मिल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं वाराणसी की, वाराणसी में 90 निगम पार्षद है, निगम पार्षदों में से 80 पर बीजेपी यहाँ पर कब्जा जमा सकती है, एसपी को 5, कांग्रेस को 0, बीएसपी खाते में 5 और अन्य को 0 सीट मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर वाराणसी की नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में एक मेयर है और एक ही मेयर बीजेपी का बन सकता है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 सीट। निगम पार्षदों की 1300 में से सभी 1300 पार्षदों का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रखी जा रही है, सभी 1300 निगम पार्षदों की संख्या और यहां पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को जबरदस्त लीड के साथ 806 निगम पार्षद मिल सकते हैं, एसपी को यहां पर 288 और कांग्रेस को 71, बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी को 95 और अन्य पार्टी को 40 पार्षद मिल सकते हैं।